अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम फंक्शन और फंक्शन के टाइप के ऊपर बात करते हैं, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन को लेके उसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन जो होता है उसके टाइप की हमने बात कर ली है, वो ये होता है। वो कैसे आता है वो ये समझ लें, क्योंकि हमने जनरलाइज आगे करना है। तो वो क्या होगा ये देखें, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। फिर ये क्यूबिक का देखें, ये सॉरी क्वाड्रेटिक का देखें, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है। और क्यूबिक का देखें, ए फोर माइनस ए बी फोर बन रहा है। इधर वन पावर है, इधर वन ओवर टू है। कहने का मतलब इधर वन ओवर वन है, वन ओवर टू है, वन ओवर थ्री है, आगे वन ओवर फोर होगा, सही है। और ये अगर वन ओवर वन है तो ओवर में जो है उससे एक ज़्यादा ये होगा, टू है तो थ्री होगा, थ्री है तो फोर होगा। सेकंडली हाँ, क्या चीज़ देखनी है हमने, ये देखें इधर जो माइनस वाली है ना उसे छोड़ के बाकी जो भी है वो लिख देना, ठीक है। ए को एक्स आई का नाम दे दिया, बी को एक्स आई माइनस वन का नाम दे दिया। सिमिलरली इधर सॉरी इधर बी स्केयर है, इधर हमारा क्या है बी स्केयर, ठीक है ना, ये हमारे पास बी स्केयर। तो ये आ गई पॉजिटिव टर्म, थ्री डिवाइड हो जाएगा, वन ओवर टू आ जाएगा। सिमिलरली ये देखें, इसमें वन और टू टर्म है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये पॉजिटिव है तो ये आ गई माइनस में, बाकी ये हमारे पास बच गए, तो ये नहीं लिखनी। ये हमारी जब हम एक्सपेंशन करते हैं, समेशन को ओपन करते हैं, तो हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स नोड आ जाता है, तो ये टर्म उधर से बनना शुरू हो जाती है। तो क्यूबिक के लिए हमने जो टैग लेना है वो ये लेना है, क्वाड्रेटिक के लिए हमने टैग ये लेना है। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं तो उससे किस तरह सॉल्व करना है। अभी क्वाड्रेटिक के फंक्शन है जो हमारे पास होता है उसका एरिया हम नहीं फाइंड कर सकते ना, क्योंकि हमने लीनियर का फाइंड कर लिया, ट्राइंगल प्लस रिक्टेंगल बन जाता था, पीस वाइज में रिक्टेंगल बनती थी तो आ जाता था। इधर हम उधर फाइंड करके हम एल की वैल्यू बता देते थे, तो इधर हम उस तरह नहीं कर सकते। इधर हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है एफ 5 टाइम x² + 2, और ये बाउंडेड इंटरवल 0 से 1 तक हमें शो करना है कि ये क्या रुमान इंटीग्रेबल है। तो मैंने लेट किया एप्सिलॉन डेल्टा ग्रेटर देन 0, दो टैग पार्टीशन ले ली, और क्यू आई जो टैग पार्टीशन है क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब है कि ये टैग पार्टीशन, ये टैग हमारे पास आएगा। तो जब ये हमारे पास टैग आ गया, सेकेंडली हमने फाइंड करना है एल, एल किस तरह फाइंड करना है, जो हमने क्यू पार्ट लिया होता है ना टैग पार्टीशन, इसी से ही हमने एल फाइंड करना है। किस तरह करना है, आप लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया और इसको रिमान सम ओपन किया, और क्यू आई पे फंक्शन की वैल्यू ये लगाई, और ये एज इट इज आ गया। अभी हमने क्या किया, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया। सिमिलरली 2 को हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, समेशन के साथ ये आ गया, ओके हो गया। अभी हमारे पास क्यू आई जो हमारा टैग था वो ये है, ओके है ना, तो हमने क्यू आई की वैल्यू ये रखी, ठीक है, और ये स्केयर है और ये ऊपर आ गया, स्केयर और अंडर रूट कट गए 1/2। बाकी हमारे पास जो बचा वो है, और ये एज इट इज सेम नीचे आ गया। तो ये 3 कांस्टेंट है, तो ये 5/3 हो जाएगा, समीशन एज इट इज आ जाएगी। ये देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये किसके इक्वल आ गई, x i3 - x i - 1 की पावर 3 के इक्वल आ गई, ओके हो गया ना। अगर नहीं समझ आई ये कहाँ से आई, तो आप ये देख सकते हैं जो हमने टैग बनाए थे, ये
ये देखें, हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस। तो ये वही चीज़ है। ओके, तो जब इसको हम समीशन वन से एन तक एक्सपेंड करेंगे, एक्स एन एक्स नोट आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी ऐसे आ जाएगा। प्रीवियस एग्जांपल में मैंने सॉल्व करके दिखाया था, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप प्रीवियस एग्जांपल को देख लें। तो ये हमारे पास 13/2 आ गया। ये हमारा क्या आया, ये हमारा एल है। ओके है ना। तो अभी हमने क्या करना है, इसे सॉल्व, नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉब्लम इस तरह की होती है, हमने लीनियर में देखा था तो इसी तरह बन रही थी। तो हम अभी हमने इसको सॉल्व करना है, तो इधर मान सम की डेफिनेशन को यूज़ किया और यूज़ करके उसके ऊपर ट्राइंगल इनक्वालिटी लगा दी, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब अभी ये चीज़ हमारे पास लेस देन डेल्टा आ गया, तो ये लेस देन डेल्टा हो गया और ये टर्म एज इट इज़ ये आ गई। अभी जब ये समीशन ओपन करेंगे, ये एक्स एन माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। एक्स एन की वैल्यू हमारे पास 1 है, एक्स नॉट की 0 है, तो ये हमारे पास डेल्टा आ गया। ओके हो गया ना। और ये हमारे पास लेस देन किसके है, डेल्टा, सॉरी इधर आई थिंक कोई मसला हो गया है। नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। ये लेस देन एप्सिलॉन के है, इफ डेल्टा लेस देन हो एप्सिलॉन के। तो नाउ हमने यही चीज फाइंड करनी थी ना, रिमान सम माइनस एल लेस देन हो किससे, एप्सिलॉन के। तो हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमने एज इट इज डेफिनेशन लगाई। इसके अंदर वो टैग पार्टीशन क्यू प्लस और माइनस किया, जिस तरह हमने लीनियर में किया था। तो ये करके फिर उसके ऊपर ट्राइंगल इनक्वालिटी लगा दी। अभी ये किससे लेस देन है, ये लेस देन है डेल्टा से। ओके, और ये देखें कि इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 11/3 आई थी ना। ये देखें, ये वाली 13/ ये हमारे पास आती है 11/ लिखने में प्रॉब्लम होगी, 11/2 है। ओके है ना। आप ले एलसीएम लेके सॉल्व कर सकती हो, 11/4 है, सॉरी 11/2 है। तो जब इधर 11/2 लगाएंगे तो प्लस माइनस कट जाएंगे, ये टर्म हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी, और ये लेस देन डेल्टा के और ये लेस देन एप्सिलॉन के। तो इधर से हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या कहेंगे, एफ हमारा पास रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो नेक्स्ट मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा, मैं बता देता हूँ आगे क्या करना आप लोगों ने। इसी इन्हीं पैटर्न को यूज़ करते हुए, टैग इसी टैग जो हम मैंने क्यूब का दिया है आपको, उसी को यूज़ करते हुए आप इसे सॉल्व कर लें, इस एग्जांपल को। अगर नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। और सेकंडली, अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह आ जाए, क्यूबिक एक्स के प्लस दिस आ जाए, ये फंक्शन आए, तो हमें इसको किस तरह डील करेंगे। इसको इजीली डील कर सकते हैं, इसको आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन का नाम दे लें, इसको आप एफ ऑफ एक्स टू का नाम दे लें, और इसको आप दे लें एफ ऑफ एक्स थ्री का नाम दे लें। एफ ऑफ एक्स थ्री किस तरह सॉल्व होगी, आप इसे इग्नोर कर दें एफ एक्स वन और एक्स टू को, ठीक है ना, इन दोनों को इग्नोर कर दें, तो ये हमारा लीनियर हो गया। लीनियर को हमने जिस तरह सॉल्व किया तो उसी तरह कर लो। ओके, क्वाड्र इन दोनों को अभी स्किप कर दो। एक्स स्केयर को हमने अभी प्रूव किया है, आपने एक्स स्केयर को जिस तरह, सॉरी एक्स स्केयर को जिस तरह हमने सॉल्व किया, इसी तरह इसको सॉल्व कर लो। और क्यूबी के लिए मैंने होमवर्क दिया है, तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ
एक्स आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। तो इधर मेरा रीमान इंटीग्रेबल इख्तिताम पज़ीर हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं डिस्कस जो करूँगा टॉपिक, वो हमारा सेकंड टॉपिक था डिरबॉक्स इंटीग्रेबल प्लस एग्जांपल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँगा। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।